अगर आपका बजट 10,000 रुपये का है और आप एक मोबाइल लेना चाहते हैं तो आप उसको घटा के आप 9,000 रुपये का भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे फोन्स जो 10,000 या उससे ऊपर के प्राइस रेंज में मिलते थे, क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो कंपनियां काफी सारे ऑफर्स दे रही हैं, तो वो आपको 9,000 या उससे भी नीचे के प्राइस रेंज में मिल रहे हैं। ऐसे में फायदा दोनों का ही होने वाला है, कंपनीज की सेल ज्यादा होने वाली है, लेकिन एज ए कस्टमर हमारे को बेस्ट डील मिलने वाली है। तो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ वो फोन जो धमाका मचा रहे हैं 9,000 से नीचे के या 9,000 रुपये के प्राइस रेंज के अंदर। अगर आपका बजट 9,000 रुपए का और आप एक फोन लेना चाहते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इस वीडियो के अंदर अपना फोन जरूर मिल जाएगा। लिस्ट को फटाफट हम शुरुआत कर दें, छोटा मोटा मैं कंपैरिजन भी कर दूंगा ताकि आपको ये इजी रहे कि अगर आप दो फोनों के अंदर कंफ्यूज हो तो आपके लिए कौन सा फोन बेटर हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं बिल्कुल न्यूली लॉन्च फोन के बारे में, जो है वीवो का U10। यहां पर आपको 6.53 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है वीवो के हेलो नॉच के साथ। अभी जो हेलो नॉच है वो काफी छोटा है, ऐसे में आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल जाता है। और अगर बैक पैनल की बात करते तो ग्रेडियंट फिनिश है वहां पर, जो कि काफी अच्छी लुक देता है और ये काफी फर्म फोन है, आपको हाथ में लेने में काफी स्ट्रांग लगेगा। वीवो का ब्रांड भी जो है काफी अच्छा है, बैक पैनल में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं अगर प्रोसेसर की, तो यहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 665 का AIE प्रोसेसर मिलने वाला है, तो इसके अंदर गेमिंग मोड भी आपको देखने को मिल जाती है, तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली 8,999 रुपए के अंदर आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं कैमरास की, तो ट्रिपल रियर कैमरे का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा बैक पैनल में, और वीवो के जो कैमरा होते हैं वो वैसे भी काफी अच्छे होते हैं। प्राइमरी कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है F2.2 के अपर्चर के साथ, साथ ही आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी देखने को मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का, वो भी F2.2 के अपर्चर पे, और साथ ही आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा भी देखने को मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का, तो बूके इफेक्ट भी आपके काफी अच्छे आने वाले हैं। फ्रंट कैमरे की अगर बात करूं तो आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, तो अच्छी खासी आप सेल्फी ले सकते हैं। वीवो के काफी सारे आपको मोड्स भी कैमरा के अंदर देखने को मिल जाएंगे, वो भी F2.2 के अपर्चर पे है। अगर बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की, तो यहां पर आपको 5000 mAh का मैसिव बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, तो एक दिन आपका बड़े आराम से निकाल देगा। और अगर चार्जर की बात करें तो ये कमी काफी खलती है 10,000 से नीचे के प्राइस रेंज के फोन्स में कि आपको फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिलती, लेकिन वीवो ने इस कमी को दूर कर दिया। यहां पर आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, तो बैटरी तो बड़ी है ही, साथ ही चार्जिंग भी आपकी काफी फास्ट हो जाएगी। तो यहां पर तो मैं बधाई देना चाहूंगा वीवो के जो इंजीनियर्स हैं उनको कि उन्होंने इस चीज को समझा है कि जो लोग बजट फोन लेना चाहते हैं उनको फास्ट चार्जिंग और थोड़ा सा ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाए, तो ओवरऑल एक पूरा का पूरा पैकेज हमारे को देखने को मिल जाता है। इसके अंदर बैटरी बैकअप भी अच्छा है, रैम स्टोरेज भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, कैमरा भी अच्छा है, स्क्रीन भी अच्छी है। तो प्राइस की अगर हम बात करें तो 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 8,990 रुपए का देखने को मिल जाता है। यहां पर अगर आप अलग से मेमोरी कार्ड लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, यानी कि दो सिम लगाने के बाद भी ट्रिपल स्लॉट है तो 512GB तक का मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। अभी अमेजोन पे एक डिस्काउंट और चल रहा है कि अगर आप SBI का डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं 10% का आपको डिस्काउंट मिल सकता है, तो ऐसे में अगर आप 3GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि वो 9,999 का है। अगर आप 10% का डिस्काउंट लेंगे तो वो भी आपको 9,000 से नीचे का देखने को मिल जाएगा। वैसे 10,990 वाला मॉडल भी है, उसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, वर्थ बाइंग नहीं है, लेकिन इन दोनों मॉडल्स के लिए आप जा सकते हैं। और हम मूव ऑन करते हैं अपने दूसरे फोन की तरफ, जो कि काफी बड़े ब्रांड मतलब सैमसंग का फोन है और फोन भी काफी जबरदस्त है, सैमसंग का M10s। ये भी बिल्कुल अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस फोन के अंदर देखने को लगती है वो है 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले होना। हालांकि ये HD+ डिस्प्ले है 720 का, लेकिन जो भी डिस्प्ले के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखता है उसको इतना मालूम है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है उसका नॉर्मल IPS या LCD डिस्प्ले जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सुपर एमोलेड डिस्प्ले हमेशा से ही उसकी पिक्चर क्वालिटी ज्यादा अच्छी रहती है। तो अगर आपका एक ब्रांड में दिलचस्पी है कि मुझे सैमसंग का फोन लेना है, साथ ही डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस फोन के लिए भी जा सकते हैं। बात करते हैं अगर बाकी कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहां पर आपको Exynos का 7884B का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इस फोन के अंदर आपका रोजमर्रा का काम तो काफी अच्छा हो जाएगा, गेमिंग मोड भी आपको देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप पबजी वगैरह एक हैवी गेमिंग खेलने के शौकीन है तो डेफिनेटली इससे थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि हैवी गेमिंग में इसके अंदर आपको रिकमेंड नहीं करता हूं। बात कर लेते हैं अगर कैमरे की, तो ड्यूल रियर कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल, जिसके अंदर 5 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाएगा। सेल्फी आपकी 8 मेगापिक्सल की होने वाली है। और अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो 4000 mAh का आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों का ही सपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है। एक चीज में जो मैं आपको बोलूंगा कि फ्रंट अगर इसका बहुत अच्छा है तो बैक में थोड़ा कहीं ना कहीं दूसरे फोन जो है वो जीत जाते हैं, क्योंकि बड़ा सिंपल सा इसमें बैक दिया हुआ है प्लास्टिक का और सिंपल सा ही आपको देखने को लगेगा। खास उसके अंदर कुछ आपको ग्रेडियंट फिनिश या ग्लास फिनिश आपको देखने को नहीं मिलने वाली, सिंपल प्लास्टिक का बैक है। अगर आप बैक कवर लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आपको सिंपल ही बैक देखने को मिलने वाला है। वेरिएंट की बात करें तो इसके अंदर आपको 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 8,999 रुपए का देखने को मिल जाएगा। तो ये फोन भी काफी अच्छा है अगर आप सैमसंग फोन के लिए जाना चाहते हैं, सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहते हैं, बैटरी बैकअप भी अच्छा चाहते हैं और रैम स्टोरेज
पे सब कुछ अच्छी है, सैमसंग भी अब काफी हद तक सुधर गया है। 9000 रुपए के प्राइस रेंज के अंदर आपको काफी अच्छा ये फोन देखने को मिल जाएगा ड्यूल रियर कैमरे के साथ। और सैमसंग के कैमरे ऑनेस्टली बताऊं तो काफी अच्छे होते हैं। सैमसंग का 13 मेगापिक्सल, तो दूसरे का अगर मैं बात करूं तो 20 मेगापिक्सल भी होगा तो उसको टक्कर अच्छी खासी दे देता है। अब बात कर रहे थे अपने तीसरे फोन के बारे में जो है Redmi का Note 7 है। सो ये काफी बड़ा धमाका हो चुका है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फोन है जो अभी तक 10000 रुपए की प्राइस रेंज में मिल रहा था, लेकिन अभी ये आपको 8999 रुपए का देखने को मिल रहा है। 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा, साथ ही बैक में और फ्रंट में दोनों को आपको ग्लास गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये एडवांटेज हो जाती है। और मैं तो इस चीज को एक बहुत बड़ी एडवांटेज मानता हूं कि फोन अगर आपको 8999 रुपए में देखने को मिल रहा है और ग्लास बॉडी के साथ आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें प्रीमियम फिनिश आपको देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं अगर प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 660 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, तो PUBG वगैरह भी आप बड़े आराम से खेल सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी USP अगर मैं बात करता हूँ स्क्रीन और बॉडी के बाद तो वो कैमरा है। यहाँ पर आपको 8999 रुपए के अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है। अगर आप पिक्चर वगैरह खींचने के शौकीन है तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली एक एडवांटेज मिलने वाली है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, साथ ही 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा भी देखने को मिल जाता है। बात करते हैं अगर सेल्फी की, तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, साथ ही आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। एक और एडवांटेज इसकी ये है, आपको क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो आप फास्ट चार्जर भी इसके अंदर लगा सकते हैं, जहां बहुत सारे फायदे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, तो आप दो मेमोरी कार्ड लगाने के बाद अलग से सिम कार्ड नहीं लगा सकते हैं। 8999 रुपए के अंदर आपको 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला वेरिएंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। MIUI का इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है और Android 9 Pi का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो वन ऑफ द बेस्ट बाय हो सकती है 8999 रुपए के अंदर। बात करते हैं अगर चौथे फोन की, तो जहां पर Redmi आ जाए वहां आज की तारीख में Realme ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो Realme ने भी अपने Realme 5 का प्राइस जो ड्रॉप कर दिया है, पहले 9999 था, अब 8999 है। यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, साथ ही ड्यू ड्रॉप नॉच भी आपको देखने को मिल जाएगी। बैक की अगर बात करें तो ग्रेडियंट फिनिश आपको देखने को मिल जाती है और इसमें 3D डायमंड कट फिनिश है जो देखने में काफी प्रीमियम लगती है, काफी अच्छी लगती है। बात कर लेते हैं अगर प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 665 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि 2 GHz की फ्रीक्वेंसी पे चलता है, 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर है, काफी फास्ट इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और अगर बात कर लेते हैं कैमरे की, तो ये अकेला ऐसा फोन है जो आपको इस प्राइस रेंज के अंदर क्वाड कैमरा दे रहा है। यहां पर आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको 4 कैमरे देखने को मिल जाएगी, जिसमें 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाएगा, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाएगा, और अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी का शौकीन मतलब शौक रखते हैं तो वहां पर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरे की, तो यहां पर आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है जो अच्छी खासी सेल्फी आपको देखने को मिल जाती है, और साथ ही एक क्रोमा इफेक्ट Realme के फोन्स के अंदर आता है, तो वहां पर कलर्स वगैरह काफी बूस्ट होकर आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो यहां पर आपको एक Realme का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कलर OS देखने को मिलता है, साथ ही आपको Android 9 Pie का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 8999 रुपए के अंदर देखने को मिलता है। एक एडवांटेज और है कि यहां पर 2 सिम लगाने के बाद भी आप अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और 256GB तक आप मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। अगर बात करते हैं, तो ये थे वो चार फोन जिनको आप ले सकते हैं 9000 रुपए से नीचे के प्राइस रेंज पे आज की तारीख में। अगर कंपैरिजन करते हैं, सबसे लेटेस्ट 2 फोन है Vivo U10 और Samsung Galaxy M10s, ये बिल्कुल नए आए हैं, और Redmi Note 7s का और Realme 5 का प्राइस जो ड्रॉप हो गया। हालांकि Realme 5 भी अभी नया ही फोन था, बट प्राइस ड्रॉप कर दिया है मार्केट में कॉम्पिटिशन को देखते हुए। अगर आप किसी ब्रांड के लिए जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सैमसंग फोन के लिए जा सकते हैं। अगर आप लेटेस्ट डिवाइस के लिए जाना चाहते हैं, मुझे आज की तारीख में Vivo U10 जो है वो लेटेस्ट डिवाइस है और देखने में काफी और काफी स्ट्रांग है, मतलब देखने में काफी अच्छा फोन लगता है। अगर बात करते हैं सबसे बेस्ट डील की, तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है Redmi का Note 7s आज की तारीख में सबसे बेस्ट डील है लुक एंड फील, या मतलब कि अगर हार्डवेयर की बात करता हूं तो। और अगर आपको कैमरे का बहुत ज्यादा शौक है, हालांकि कैमरे में भी मैं ये मानता हूं कि 48 मेगापिक्सल जो कैमरा आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न दे देगा, लेकिन फिर भी क्वाड कैमरे का सपोर्ट आपको Realme 5 के अंदर देखने को मिलता है। तो पर्सनली आपकी चॉइस कौन सी है नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये थे वो फोन जो आज की तारीख में आप ले सकते हैं 9000 से नीचे के प्राइस रेंज के अंदर। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। मैं मिलता हूं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।